जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2023 के लिए नौवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिस मॉडल पेपर में हम राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं, जो आपके पीटीटी एग्जाम 2023 के नए सिलेबस पर आधारित हैं। इसलिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने एडमिट कार्ड को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर दीजिए, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीटीटी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अब देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी सरकारी विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जाजरी हैं, जो किसी सरकारी विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। और दोस्तों, देवेंद्र जाजरिया के अलावा पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ा हैं, जिनको भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन राजस्थान से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं देवेंद्र जाजरिया, वो भी किसी सरकारी विश्वविद्यालय से, और उस विश्वविद्यालय का नाम था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट, अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ग्रीष्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन है वो माउंट आबू में किया गया था, जो 12 मई से लेकर 14 मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया था, और कहाँ पर किया गया था? माउंट आबू में। और दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना है वो साल 1956 में हुई थी, जिसके द्वारा हाल ही में ग्रीष्म महोत्सव 2023 का आयोजन है वो माउंट आबू में किया गया था। नेक्स्ट, अगला तीसरा क्वेश्चन है, शिकारपुर जोधपुर में किस लोक संत का प्रधान स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, शिकारपुर जोधपुर में लोक संत राजा राम जी का प्रधान स्थान स्थित है। अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, लोक देवता वीर बिग्गा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, रोही बीकानेर में लोक देवता वीर बिग्गा जी का मंदिर है वो स्थित हैं। अगला छठा क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें ब्लू पॉटरी का जादूगर भी कहते हैं, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, सीकर जिले में ब्लू पॉटरी के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत का जन्म है वो हुआ था, किस जिले में? सीकर जिले में। और दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत हैं जिनको ब्लू पॉटरी का जादूगर या जन्मदाता भी कहा जाता है, और ब्लू पॉटरी हैं जो राजस्थान के जयपुर ज़िले की प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन है, ललित मीणा जिन्हें हाल ही में धुरंधर श्री लिंबाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, दृष्टिहीन क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने वाले ललित मीणा, जिनको हाल ही में धुरंधर श्री लिंबाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो किस खेल से संबंधित हैं? दृष्टिहीन क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला आठवां क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारड द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहां से किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, केसरी सिंह बारड के द्वारा सशस्त्र क्रांति का जो संचालन है वो राजस्थान के कोटा से किया गया था। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, सांगाने जयपुर में हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना है वो की गई थी। और दोस्तों, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कब की गई थी वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला दसवां क्वेश्चन है, सोडवाड़ी पाटवी और रतलामी उमटवादी आदि मुख्य उप बोलियाँ कहाँ की हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए बी मालवी की है, जो सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उद उमटवाड़ी आदि मुख्य उप बोलियाँ हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हंसगान किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए बी चीनी यात्री हंसांग है, जो राजस्थान की हर्षवर्धन के शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था। अगला 12वां क्वेश्चन है, राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए बी 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर के मंडोर पर अधिकार किया था, और 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की राव जोधा ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज न्याल चंद ने राजस्थानी चित्रकला का चित्र बणी ठणी बनाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए डी महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने राजस्थानी चित्रकला का चित्र बणी ठणी बनाया था। यानी बणी ठणी चित्रकला को चित्र किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने, जो महाराजा सावंत सिंह के प्रसिद्ध चित्रकार थे, और महाराजा सावंत सिंह है जो किशनगढ़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी बाड़मेर प्रिंट है, जो अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अजरक प्रिंट है जो लाल और नीले रंग से जो सफाई की जाती हैं उसको ही अजरक प्रिंट कहा जाता है। कौन कौन से रंग से? लाल और नीले रंग से जो सफाई की जाती हैं उसको ही अजरक प्रिंट कहा जाता है, जो बाड़मेर की प्रसिद्ध प्रिंटर हैं। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी सीताराम बदन सिंह और नानक राम है जो किशनगढ़ चित्रकला की शैली से संबंधित थे। कौन कौन? सीताराम बदन सिंह और नानक राम। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, मुगल किस चित्रकला शैली की प्रमुख विषय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए मुगल है जो जैसलमेर चित्रकला शैली का प्रमुख विषय हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, काजरी की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए काजरी की स्थापना है जो साल 1952 में हुई थी, जो एक मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र के रूप में हुई थी। यानी काजरी का पहले नाम था मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र, और जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों काजरी नाम है जो इसको साल 1957 में दिया गया था, जबकि स्थापना का समय इसका नाम था मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र, जो साल 1952 में इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए राजस्थान के उदयपुर प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। अगला 19वां क्वेश्चन है, सर प्रताप ने जोधपुर में किस झील का निर्माण करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी सर प्रताप है जिन्होंने 1872 ईस्वी में जोधपुर की कायलाना झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी भाखड़ा नागल परियोजना है जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित तीनों राज्यों से संबंधित हैं। और दोस्तों आपको बता दें भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना से राजस्थान को 15.22% है वो जल मिलता है। कितना? 15.22%। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी काली मिट्टी है जो कपास की मिट्टी कहलाती है। अगला 22वां क्वेश्चन है, जोधपुर क्षेत्र में शीतला अष्टमी का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी राव सातल की स्मृति में जोधपुर में शीतला अष्टमी का त्यौहार है वो मनाया जाता है।
नेक्स्ट 2300 राजस्थान में बीएड भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में बीएड भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो धौलपुर जिले में स्थित है। धौलपुर जिले में लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर की सीमा में बीएड भूमि का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट 2400 किसने राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, उड़द है, जो राजस्थान में उर्वरता को भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल बोई जाती हैं। अगला 2500 किसने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में अतिरिक्त जल की आपूर्ति किस बांध से होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी व्यास परियोजना के ऊपर बना हुआ पोंग बांध है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में शीतकाल में अतिरिक्त जल की आपूर्ति की जाती है। किस बांध से? पोंग बांध से, जो व्यास परियोजना का से संबंधित एक बांध है। नेक्स्ट 2600 किसने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना है जो साल 1979 में की गई थी। नेक्स्ट 2700 किसने साल 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, साल 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है जिसमें बाघ परियोजना को शुरू किया गया था। अगला 2800 किसने बैराट में जो पुरातत्व के अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, बैराट में जो पुरातत्विक अवशेष मिले थे वो मौर्य काल से संबंधित अवशेष थे। अगला 2900 किसने पुरातत्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुरातत्विक स्थल रंग महल है वो स्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। अगला 3000 किसने बसंती नामक किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, राणा कुंभ है जिन्होंने राजस्थान की सिरोही जिले में बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 3100 किसने राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड है जो राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली एक मिल है। कौन सी? उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट 3200 किसने जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी को आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, जैसलमेर के जो भाटी राजपूत हैं वो हिंगलाज माता को अपनी आराध्य देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट 3300 किसने मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा थे जिन्होंने खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, परास्त यानी हराया था। कौन से युद्ध में? खातोली के युद्ध में। और किसने? मेवाड़ के महाराणा सांगा ने। अगला क्वेश्चन है, चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी एक्सप्रेसवे है जो चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम रखा गया है। और दोस्तों अटल एक्सप्रेसवे है जो राजस्थान के 3 जिलों से गुजरती हैं। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई है जो 414 किलोमीटर की लंबाई है, जो राजस्थान में केवल 78 किलोमीटर की दूरी ही तय करती हैं। कौन सी? चंबल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट 35वां और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना और कब स्थित हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, राजस्थान ललित कला अकादमी है जो जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1956 में हुई थी।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।